राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली जिस सड़क को अब तक पूरा देश राजपथ के नाम से जानता था, अब वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। 8 सितंबर की शाम दिल्ली में हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा के नए स्वरूप का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसी सेंट्रल विस्टा के दोनों ओर के हिस्से को नए सिरे से डेवलप करने के प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, जिसके पहले भाग का गुरुवार शाम को उद्घाटन हो गया है। इस मौके पर राजधानी में कई शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उद्घाटन के लिए पीएम के साथ कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के साथ ही आज से कर्तव्य पथ को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने गुरुवार शाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। नेताजी की इस 28 फीट ऊंची और 280 मीट्रिक टन वजन वाली प्रतिमा को पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक औजारों के इस्तेमाल करके विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर हाथों से उकेरा गया है। प्रतिमा के अनावरण के मौके पर आजाद हिंद फौज के पारंपरिक गीत कदम कदम बढ़ाए जा की धुन भी बजाई गई। इस मौके पर एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनेकता में एकता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए भव्य सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए 500 कलाकारों ने हिस्सा लिया। इसके बाद नेताजी के जीवन पर 10 मिनट का एक विशेष ड्रोन शो का आयोजन किया गया। राजधानी में अगले 3 दिनों तक यानी 9, 10 और 11 सितंबर को रात 8 बजे ये ड्रोन शो इंडिया गेट पर प्रस्तुत किया जाएगा। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा दिल्ली के ललाट को गर्व से ऊंचा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कर्तव्य पथ के उद्घाटन के साथ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया और उन्हें नमन किया। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के सूरत शहर के ओलपाट में एक चिकित्सा शिविर का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और उनकी राय ली। पीएम ने इस मौके पर कहा कि बेहतर स्वास्थ्य बेहतर भविष्य का मार्ग बनाता है। इसी सोच के साथ अपने स्वास्थ्य संरचना के साथ साथ जन जागरूकता, बीमारियों से बचाव, बीमारियों को गंभीर होने से रोकने पर विशेष बल दिया है। मैं मानता हूं कि लोगों को जोड़ना, ये सेवा भाव, सेवा का इतना बड़ा पवित्र काम, मैं जितनी बधाई आप सबको दूं उतनी कम है। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के परिसर में आयोजित होने वाले इस मेडिकल कैंप में 3000 डॉक्टर हेल्थ टेस्ट करेंगे। पीएम ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि सूरत की सद्भावना, सूरत के लोगों के सामर्थ्य और उनकी इच्छा शक्ति काबिले तारीफ है। इस साल केदारनाथ धाम यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। यहां अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में 6 महीने के दौरान करीब 10 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे थे, लेकिन इस बार की यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। खास बात यह है कि अभी भी करीब 1.5 महीने की यात्रा का समय शेष है। ऐसे में केदारनाथ आने वाले भक्तों की संख्या 13 लाख के पार पहुंचने की उम्मीद है। अभी यात्रा में भी करीबन 1.5 महीना और बचा है और यात्रियों की जो संख्या है वो 11 लाख पहुंच कर चुकी है और आने वाले समय में जैसा रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग है उसको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि यात्रा की संख्या अभी और बढ़ेगी। दरअसल पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित रही थी,
लेकिन इस साल प्रतिबंधों में छूट की वजह से हर दिन 7 से 8 हजार यात्री बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केरल में बड़े ही धूमधाम से ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है। वैसे तो ओणम का त्योहार मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, लेकिन इसकी धूम पूरे दक्षिण भारत में होती है। ओणम, जिसे मलयालम भाषा में थिरुवोणम भी कहते हैं, 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ओणम में हर दिन का एक खास महत्व है। इस त्योहार में लोग अपने घरों को 10 दिनों तक फूलों से सजा कर रखते हैं और विधि विधान से विष्णु जी और महाबली की पूजा करते हैं। इस मौके पर फूलों से शानदार सजावट की जाती है। ओणम का त्योहार मनाने के पीछे बहुत सी मान्यताएं हैं, जिसमें से एक मान्यता के अनुसार ये पर्व दानवीर असुर राजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है। कहा जाता है कि विष्णु जी ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि के घमंड को तोड़ा था, लेकिन उसकी वचनबद्धता को देखने के बाद विष्णु जी ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया था। मुंबई के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई का एक अनोखा तरीका विकसित किया गया है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए एक रोबोट शालू को तैयार किया गया है। हेलो फ्रेंड, टुडे वी विल टॉक अबाउट नेटवर्क। आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के टीचर दिनेश कुंवर पटेल ने सामाजिक और शैक्षिक ह्यूमनाइड रोबोट शालू को विकसित किया, जो 9 भारतीय और 38 विदेशी भाषाओं सहित 47 भाषाएं बोल सकता है। बच्चों के साथ मिलकर कि हम लोग वेस्ट मटेरियल यूज करते हैं एंड मेकिंग यूनिक थिंग, और ये वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया, जो घरों में पड़े होते हैं उनका इस्तेमाल किया और घर में ही बनाया। तो ये पूरे का पूरा प्लान वेस्ट मटेरियल से बनाने का स्टार्ट हो गया, घर में बनाया गया। बच्चों को जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक पढ़ना होता है उसकी फाइल अपलोड कर दी जाती है और उसके जरिए ही शालू बच्चों को पढ़ाती है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शालू के जरिए पढ़ाई करने में काफी मजा आ रहा है। महज 10 सेकंड और दुश्मन की तबाही तय। भले ही दुश्मन विमान तेज गति से भगा रहा हो, वो भी इस मिसाइल की जद से बच नहीं पाएगा। आसमान में दुश्मन हथियार को ये मिसाइल मौत की नींद सुलाने में सक्षम है और इस खास मिसाइल को डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और भारतीय सेना ने मिलकर बनाया है, जिसका नाम है QRSM। QRSM मिसाइल एक बार लॉन्च होने के बाद दुश्मन हथियार का नामोनिशान तक मिटा सकती है। डीआरडीओ ने क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली यानी QRSM का 6ठा सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सटीक निशाना लगाने के साथ ही टारगेट को तय समय पर मार गिराया। डीआरडीओ ने QRSM मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया। ये मिसाइल 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले टारगेट को तबाह करने में सक्षम है।